नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन आपके कंट्रोल सेंटर में अगर आपके डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, नोटिफिकेशन बार में ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखता है रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रीन। तो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए इस अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिले तो आपको यहाँ पे 9 डॉट्स है उस पर टैप कीजिए एक बार और ये एक्सपांड हो जाएगा नोटिफिकेशन बार, मतलब ये आपको और भी ऑप्शन देगा कि आप कौन से ऑप्शंस कंट्रोल सेंटर पे लाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे यही स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे इसलिए दिखाई दे रहा है आपको स्टॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पे लाना है तो कंट्रोल सेंटर में ये यहाँ से ड्रैग कीजिए और यहाँ पे ला दीजिए, तो यहाँ पे आपको अभी मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन। तो ये देख लीजिए, अभी आप जब भी ड्रैग करोगे ये तो आपको ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब आप कंट्रोल सेंटर ऐसे नोटिफिकेशन बार ड्रैग करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन पा सकते हो। तो ये भी आपका इसका लोकेशन आप यहाँ पे किधर पे आप चेंज कर सकते हो अगर चाहिए तो, आपको इस उस तरह से देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है इसका लोकेशन तो यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए तो वहाँ पे वो सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग ऑप्शंस कंट्रोल सेंटर मेनू के अंदर ला सकते हो कस्टमाइज करके। तो नेक्स्ट टाइम से आप इजीली रिकॉर्ड कर पाओगे आपका स्क्रीन। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बार ड्रैग कीजिए, कंट्रोल सेंटर में स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑप्शन पा सकोगे आप, उस पर टैप कर दीजिए और आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।